मैं शाम को कॉफी हाउस में बैठता था, क्योंकि मेरा मित्र भी वहीं बैठता था। उसके पास धन बहुत था। मेरे मित्र को मेरी संगति अच्छी लगती थी, मुझे मित्र की कॉफी। मैं अपनी संगति को कॉफी के बदले में बेचता था। ये हमारी मित्रता का आधार था। शाम को वो व्यापारी से आदमी हो जाता और मैं आदमी से व्यापारी। बैठे शर्मा जी, अगर केबिन में आने जाने वाली लड़कियों के रास्ते में नहीं बैठे तो ये शानदार कपड़े पहनने और इतना महंगा परफ्यूम मारने का क्या फायदा। चलो नजर गड़ा है, बदमाश लगता है। देखने में तो नहीं लगता। कैसे नहीं लगता? देखो तो उसकी नजर कहाँ है। ये रोज अकेला क्यों बैठा रहता है? पता नहीं कौन उसके चक्कर में पड़े। छोड़ो यार, मैंने इसको कभी किसी से बात करते या बोलते हुए भी नहीं देखा। हाँ? इसके बारे में पता करना चाहिए। नहीं, यार इस आदमी का पीछा करते हैं, देखते हैं ये जाता कहाँ। जाता होगा यार, हमको उससे क्या मतलब। चलते हैं यार, मुझे जानना है। तुम जाओ ना। तुम चलना। तुम जाओ, मुझे नहीं पढ़ना इस चक्कर। समझ के बाहर है। क्यों, क्या हुआ यार? कल मैं इसका पीछा कर रहा था, ये एक लड़का और लड़की का पीछा कर रहा। अच्छा, एक जगह जाके वो रुक गया। लड़का और लड़की एक मकान के सामने बातें करने लगे। कुछ देर के बाद लड़का चला गया, लड़की मकान के अंदर जाने लगी तो इसने उसे नाम लेके पुकारा। क्या, उस लड़की का नाम जानता था? और इस तो कॉफी लेके आओ। जी सर। इसने पुकारा शीला, वो लड़की रुक गई। लड़की रुक गई? हाँ, उसने उससे बातें भी की यार। बातें भी की? अरे है कौन यार, और इसका उस लड़की से क्या संबंध है? पता नहीं। छोड़ो ना, कौन इसके चक्कर में पड़े। टिकूटा लगता है कभी पीछा करेगा। चलेगा साथ? मुझे इतनी फुर्सत नहीं है। चलना यार, मजा आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा। लेखक तुम हो, तुम ही जाओ।
विमला, क्या करते हैं आप? ये अखबार में काम करता हूं। नाम क्या है आपका? शरदेंदु शर्मा। हाँ, आप साहित्यकार शरदेंदु शर्मा हैं? जी। अरे साहब, कमाल हो गया, मैंने आपकी बहुत सारी कविताएं और कहानियां पढ़ी, आप तो कमाल के कलाकार हैं। अरे साहब, बस यूं ही थोड़ा बहुत लिख लेता हूं। नहीं नहीं नहीं, आप वाकई बड़े कलाकार हैं, आप तो साक्षात ब्रह्मा हैं। अरे मैं आपको प्रणाम करता हूं। अरे साहब, क्यों क्यों मजाक कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, वाकई मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। क्या है कि अब हम लोग तो अंधे प्राणी हैं, आंखों पर राग और द्वेष का पर्दा पड़ा रहता है, लेकिन आपके पास दिव्य दृष्टि है। आप मनुष्य के बाह्य को भेद कर उसके अंतर मन के शाश्वत सत्य को देखने की शक्ति रखते हैं। आप आनंद की वृष्टि करते हैं। आप तो दाता हैं, हम याचक हैं। धन्यवाद। पिछली कुछ रातों से आप मेरे पीछे काफी परेशान हैं। आप 3-4 रोज से मेरा पीछा भी कर रहे हैं, मैं जानता हूं। जी नहीं नहीं, आपका कौतूहल स्वाभाविक है। मानव स्वभाव और मानव व्यवहार को उद्घाटित करना आपका काम है। आपसे मिलकर मजा आ गया। चलिए मैं चलता हूं। लेकिन साहब, देखिए, आज आपको मेरे पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं यहां से आज सीधा घर जा रहा हूं। नहीं साहब, बात वो नहीं है। परिचय एक तरफा रह गया, आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। क्या करेंगे जानकर? नहीं, बस यूं ही जिज्ञासा। मैं इतने दिनों से परेशान हूं कि आप इस तरह लड़कियों का पीछा क्यों करते हैं? देखिए, मैं बता तो दूं, लेकिन आप लिखे भी ना मानेंगे नहीं। और आपने अगर लिख दिया तो हमारा काम चौपट हो जाएगा। अरे साहब, ये कह के तो आपने मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ा दी है। चलिए साहब, बात आ रहा, नहीं लिखेंगे, सब बता दीजिए। चलिए मेरे साथ मेरे घर चलिए।
आप अकेले रहते हैं? जी हाँ। मैं आपको बहुत रहस्यमय व्यक्ति लगता हूँ ना? देखिए, ये देखिए, ये शहर के कुछ लड़के लड़कियों के फोटोज हैं, इनके नंबरों का मिलान करेंगे, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। जैसे कि ये 3 नंबर का लड़का और ये 3 नंबर की लड़की, यानी कि दोनों एक दूसरे के प्रेमी हैं। ऐसे बहुत सारे फोटो मैंने इकट्ठे किए हैं, बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किए हैं। आप इनमें से किसी भी लड़की का नाम लीजिए, इस डायरेक्टरी में से देखकर मैं आपको उसके प्रेमी का नाम बता सकता हूं। और एक बात, आप इस लड़की को देखिए, इसके पीछे तो 2 नंबर है, 9 और 11। जी, यानी कि 9 नंबर का लड़का और ये 11 नंबर का लड़का, ये दोनों लड़के इस एक लड़की से प्रेम करते हैं। एक और चीज देखिए, इस लड़के को देखिए, इसके पीछे 2 नंबर है, 4 और 5। जी, यानी कि इस लड़के से ये 2 लड़कियां 4 और ये 5, ये दोनों इससे प्रेम करती हैं। विचित्र शौक है आपका। शौक नहीं जनाब, धंधा, बिजनेस है ये मेरा। मैं भी ग्रेजुएट हूं, पढ़ा लिखा हूं, काम करना चाहता हूं, लेकिन काम नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली। पेट भरने के लिए कुछ तो करना था, सोचा कि पता किया जाए कि किस चीज का बाजार ज्यादा अच्छा चल रहा है। पता लगा कि सब प्रेम का बाजार बड़े जोरों पर चल रहा है। हायर क्लास के अंदर जब कॉस्मेटिक्स का, ब्यूटी पार्लर्स का बिजनेस इतना अच्छा चल सकता है, तो प्रेम का भी चल सकता है। बस पता लगाया तो ये इतने सारे जोड़े मिल गए। मैंने इनसे कहा कि देखिए, मैं आपके सीक्रेट को जानता हूं, मेरे पास सबूत है, और मैं चाहूं तो ये सीक्रेट आपके माँ बाप पर प्रकट कर सकता हूं। नहीं करता हूं, इसके लिए मैं पैसे लेता हूं। लेकिन इस तरह तो आप उनके प्रेम में बाधा उत्पन्न करते हैं, ये ठीक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ कमीशन लेता हूं, जैसे कि स्नो पाउडर का व्यापारी कमीशन लेता है। शर्मा जी, स्नो पाउडर कोई खाने की चीज तो है नहीं, थोड़ा सा चेहरे पे लगाया जाता है क्योंकि फैशन है, बस उसी तरह से प्रेम का भी है। अगर ये लोग शादी करना चाहें तो मैं बाकायदा इनकी मदद करता हूं, लेकिन बिना शादी के प्रेम करना तो मतलब स्नो पाउडर लगाने जैसे हुआ ना। तो यूं कहिए कि मैं इनसे कमीशन या एंटरटेनमेंट टैक्स लेता हूं। जैसे सरकार को एंटरटेनमेंट टैक्स लेने का अधिकार है, उसी तरह से मुझे भी प्रेम का टैक्स लेने का अधिकार है। तब तो बेचारे आपके भय के कारण प्रेम का आनंद भी नहीं ले पाते होंगे। जी नहीं, बल्कि बात इसकी बिल्कुल उलट है। छुप छुप के मिलने में थोड़ा सा भय और आशंका तो होती ही है। मैं अपनी ओर से उसमें भय का तत्व मिलाकर उसका आकर्षण और बढ़ा देता हूँ। ये कहिए कि मैं इनके ऊपर उपकार करता हूँ। और इस उपकार के कितने पैसे ले लेते हैं? महीने के 20-25 हजार मिल जाते हैं, मजे में कट रही है, धंधा बुरा नहीं है। मुझे तो नौकरी में इसके आधे भी नहीं मिलते। कई दिनों से आदमी दिखाई नहीं दिया, इसकी बात बाहर गया। इसकी बात कर वही जो उस टेबल पे बैठता था। शर्मा जी, आप भी कैसे कैसे लोगों से संबंध बना लेते हो? क्यों, मुझे तो वो ब्लैक मगर फूटी आंख नहीं सुहाता। अरे शर्मा जी नमस्ते। लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। आइए आइए साहब, आइए बैठिए। कैसे हैं आप? बैठिए। अरे भाई, 3 कॉफी ला। आज आप दोनों को मेरे साथ बाजार चलना होगा। क्यों भाई, बाजार क्यों? कुछ खरीदना है।
आप लोग चले गए तो अच्छा लगेगा, और फिर मुझे मालूम है आपकी पसंद भी बहुत कलात्मक होगी। क्या खरीदना? एक अच्छी सी साड़ी खरीदनी है। साड़ी? साड़ी का आप क्या करेंगे साहब? देनी है किसी को। दरअसल मेरे एक क्लाइंट की शादी है रागिनी की, उसी को देना है। अच्छा। रागिनी? हाँ, आप जानते हैं साहब। आप अपने क्लाइंट का फोटो और नंबर तो दिखाइए। नहीं नहीं, घबराइए नहीं, ये मेरे विश्वासी मित्र हैं, आपका राज नहीं खुलेगा। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। मैं ये देखिए साहब, हाँ ये है रागिनी। साहब बात कुछ समझ में नहीं आई। क्या? नहीं कि आप इसे साड़ी देंगे? हाँ नहीं, ये आपके बिजनेस में ये उदारता मेल नहीं खाती। शर्मा जी, मैं तो हमेशा ऐसा ही करता हूँ। ये लड़की 2 साल से मेरी क्लाइंट है, इस बीच में मैंने बहुत सारा रुपया कमाया है इससे। अब क्या मैं इसे एक छोटा सा उपहार भी नहीं दे सकता? ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? नहीं, मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूँ कि आपको देवता कहूँ कि दानव कहूँ कि सनकी कहूँ। तकरीबन 1 साल हो गया मेरे क्लाइंट का तलाक हो गया था। बहुत अफसोस हुआ था मुझे। 2 दिन तक मुझसे खाना नहीं खाया गया था। लेकिन क्यों साहब, ये तो बाजार का नियम नहीं है। देखिए, आप चाहें तो विवाह के बाद अपने इन क्लाइंटों से और ज्यादा पैसे ऐंठ सकते हैं। भई आप उन्हें ये भय दिखाएं कि आप उनके पति पर उनका पुराना इतिहास खोल देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं शर्मा जी? मैं इतना नीच आदमी नहीं हूं कि किसी की गृहस्थी बिगाड़ू। किसी की शादी तय होते ही मैं उसका नंबर डायरेक्टरी में से फाड़ के फेंक देता हूं और उसकी फोटो को फाड़ देता हूं। चले, मुझे कहीं और जाना है, मैं नहीं आ पाऊंगा। आप तो चलेंगे ना? ये चलिए भाई। कल मिलते। उससे भेंट हुए 2 महीने हो चुके थे, तब से वो न जाने कहां चला गया। घर पर गया तो मालूम हुआ कि उसने मकान बदल दिया है। वो कहां चला गया है ये मैं नहीं जान सका। एक दिन मैं प्रमोद के साथ बैठा कॉफी पी रहा था। प्रमोद की शादी तय हो गई थी और वो बहुत खुश था। क्या कहूं शरद, लड़की बहुत अच्छी है यार। अच्छा, ये समझ लो मेरी किस्मत बदलने वाली है। क्या बात। अच्छा ये बता, ये तो अरेंज मैरिज है ना? हाँ, मम्मी पापा के साथ गया था उसे देखने। शरद, इतनी सीधी साधी लड़की आजकल के जमाने में मिलना बहुत मुश्किल है। और क्या गाती है वो, क्या गाती है वो। इन लड़कियों जैसे नहीं है वो। यार फोटो वोटो हो यार, हाँ दिखा ना। देखिए तो पागल हो जाएगी आप। क्या बात, क्या बात है। रोज मिलना होता होगा? नहीं रोज तो नहीं, हफ्ते में 3-4 बार। फोन पे तो रोज बात होती है। बहुत स्वीट है यार। क्या क्या सोचने लगे? यार मैंने इसे कहीं देखा है। देखा होगा, इसी शहर की है। कॉलेज में या शहर बाजार में आते जाते कहीं निगाह पड़ी हो। ये बताओ कैसी लगी? बहुत स्वीट है यार। पेस्ट्री होता है? हा? शर्मा जी आइए 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 आइए। आपको आज फिर मेरे साथ बाजार चलना पड़ेगा। अच्छा, अब क्या है? अरे भाई, परसों फिर मेरे एक क्लाइंट की शादी है। अच्छा, अपने प्रेमी के साथ या फिर? नहीं नहीं, अरे मैरिज है, माँ बाप की पसंद से हो रही है। अच्छा। सुना है कि लड़का बहुत अच्छा है, दुकानदार है, पैसे वाला है, हैंडसम है। अरे भाई, तो फिर उसका फोटो नंबर वगैरह बताइए। बहुत सुंदर लड़की है शर्मा जी, आप देखते रह जाएंगे। मैं बता नहीं सकता। देखिए ये लड़की है, देखिए क्या कमाल की लड़की है। मैं तो दिन रात भगवान से प्रार्थना करता रहता हूँ कि इसको बहुत अच्छा वर और बहुत अच्छा वो मिले। बहुत खूबसूरत लड़की है, सब रख लीजिए आप। देखिए देखिए, ये है कुसुम नंबर 7। कुसुम, देखिए देखिए, आप इसे रख लीजिए। देखिए ना, देखिए आपके दोस्त भी देखे भाई। अरे अब आपसे क्या पर्दा है, देखिए ना, बहुत अच्छी लड़की है। दिन रात खुदा से दुआएं करता हूँ कि भाई इसको अच्छा वर मिले और अच्छा।
आपके मित्र अचानक चले क्यों गए? बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको बार बार इशारा कर रहा था लेकिन आप समझे नहीं। आपके मित्र का नाम क्या है? ये प्रमोद कुमार शर्मा। इनकी दवाई की दुकान है जी। भगवान, तो बहुत बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। वो उठा और चल दिया। महीनों बाद उससे मुलाकात हुई। पता चला कि उस दिन से उसने प्रेम का धंधा छोड़ दिया है।